गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम BSCC फर्स्ट ईयर विषय गणित यूनिट सेकंड गणित के गणित सीखना सिखाना शिक्षण सिद्धांत एवं शिक्षण विधि के टॉपिक विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि के संयुक्त प्रयोग के उदाहरण से हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे। पूर्व में हम विश्लेषण एवं संश्लेषण विधियों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। आज हम विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि के संयुक्त प्रयोग के उदाहरण से अपने दिन की शुरुआत करेंगे, जिसके अंतर्गत विश्लेषण विधि का उदाहरण एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर है, इसके चारों ओर 15 रुपये प्रति मीटर की दर से तार लगाने का खर्च ज्ञात कीजिए। जिसमें विश्लेषण विधि में यह प्रश्न इसका विश्लेषण करने के उपरांत उत्तर दिया है। इसमें विश्लेषण विधि के अंतर्गत प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है, प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत हमें एक तो वर्ग का क्षेत्रफल तथा दूसरा तार लगाने की दर दी हुई है। वहीं विश्लेषण विधि के अंतर्गत हमें क्या ज्ञात करना है, जिसमें हमें तार लगाने का कुल खर्च ज्ञात करना है। वहीं प्रश्न नंबर थर्ड, तार लगाने का खर्च कैसे निकाला जा सकता है, जिसका उत्तर है तार की संपूर्ण लंबाई ज्ञात करके दर का गुणा करने से खर्च निकल जाएगा। वहीं नंबर फोर, तार की संपूर्ण लंबाई कैसे ज्ञात की जा सकती है, जिसका उत्तर है वर्ग के क्षेत्रफल का जो वर्गमूल निकाला उसमें चार से गुणा करने पर तार की लंबाई आ जाती है। हम विश्लेषण और संश्लेषण विधि के संयुक्त उदाहरण का अध्ययन कर रहे थे। यह अभी हमने विश्लेषण विधि के उदाहरण का अध्ययन किया था। अब हम संश्लेषण विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। संश्लेषण विधि का उदाहरण है, संश्लेषण विधि के बाद विश्लेषण विधि की सहायता से समस्या का विच्छेदन कर लिया और अब संश्लेषण विधि की सहायता से हम समस्या का हल करेंगे। संश्लेषण विधि संश्लेषण विधि, संश्लेषण प्रश्न, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, नंबर टू वर्ग की पूछा कि हमें क्या करो, वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करो, छह सौ पच्चीस वर्ग मीटर नंबर थर्ड,
वर्ग की परिमिति का सूत्र क्या है? वर्ग की परिमिति, वर्ग की परिमिति का सूत्र क्या है? नंबर थर्ड, 4 इंटू भुजा की लंबाई। नंबर फोर, वर्ग की परिमिति ज्ञात करो। वर्ग की परिमिति, वर्ग की परिमिति ज्ञात करो। नंबर 4 × 25 = 100 मीटर वर्ग की परिमिति ली। 4 की कुल लंबाई कितनी आई? नंबर 5, 4 की लंबाई, 4 की लंबाई कुल कितनी, कुल कितनी आई? नंबर 6, तार लगवाने की दर क्या है? तार लगवाने की, तार लगवाने की दर क्या है? 100 रुपये मीटर, 15 रुपये मीटर, 15 रुपये प्रति मीटर। नंबर 7, तार लगाने का कुल खर्चा क्या करो? तार लगाने का, तार लगाने का कुल खर्च, कुल खर्च ज्ञात करो। उपरोक्त संश्लेषण प्रश्न बने हैं, जिसमें पहला प्रश्न है वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? 625 वर्ग मीटर। नंबर 2, वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करो। 625 = 25 मीटर। नंबर 3, वर्ग की परिमिति का सूत्र 4 × भुजा की लंबाई। नंबर 4, वर्ग की परिमिति ज्ञात करो। 4 × 25 = 100 मीटर। तार की लंबाई कुल कितनी है? 100 मीटर। तार लगवाने की दर क्या है? 15 रुपये प्रति मीटर। तार लगाने का कुल खर्च 100 × 15 = 1500 रुपये कुल तार लगवाने का खर्च आया है। ये हम विश्लेषण और संश्लेषण विधि के संयुक्त उदाहरण द्वारा हम उस उदाहरण को समझते हैं। इस प्रकार अंक गणित की समस्या को विश्लेषण संश्लेषण विधि से हल किया जाता है। यदि हम इन दोनों विधियों की प्रक्रिया एवं कार्य प्रणाली पर विचार करें तो हम पाते हैं कि दोनों विधियां परस्पर विरोधी होते हुए भी अध्ययन और शिक्षण की दृष्टि से एक दूसरे की पूरक हैं। एक विधि दूसरे के बिना
अपूर्ण है। विश्लेषण विधि समस्या को हल करने का तरीका बताती विश्लेषण विधि समस्या को हल करने का तरीका ही सुलझाती है। यदि हम किसी समस्या को केवल विश्लेषण करके ही छोड़ दें तो वह अधूरी रह जाती है। जब तक कि हम विश्लेषण द्वारा की गई खोजों का संश्लेषण द्वारा प्रयोग में लाकर हल नहीं कर लेते हैं, अतः स्पष्ट है कि किसी समस्या को हल करने में विश्लेषण और संश्लेषण दोनों ही विधियों का प्रयोग होना चाहिए। आज हम पूर्ण रूप में संश्लेषण एवं विश्लेषण विधि का अध्ययन कर चुके हैं। कल हम आगमन एवं निगमन विधि का अध्ययन करेंगे। आज इतना ही। आप घर पर रहें, सेफ रहें। धन्यवाद।